हाँ भाई, बस आज जैसे आप खुली है और बाहर बारिश चल रही है। हाँ वालेकुम, जैसे कि मैं हूँ मोहम्मद हनीफ। आज सुबह सुबह जैसे ही आँख खुली तो बाहर देखा तो बारिश चल रही। बारिश तो वैसे ही रात से चल रही है, तकरीबन 2 बजे से। अभी भी देखे ना आप, बारिश चल रही है और मौसम भी माशाल्लाह मस्त बना हुआ है। और ये आज का व्यू माशाल्लाह बेहतरीन, और ऊपर से बारिश सर्दियों में। अब क्या बोलें, जैसे रब की मर्ज़ी, जैसे बारिश कर दे। गर्मियों में कम होती है, अभी सर्दियों में जो है ना बारिश का मौसम माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ है। फाइनली व्यूअर्स, हम अब तैयार हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह भी कर लिया। अभी हम चलते हैं शहर की तरफ। वैसे भी आज ठंड संडे और सुबह से बारिश चल रही थी, इसकी वजह से मौसम भी आज बहुत माशाल्लाह प्यारा हो गया है। बारिश तो वैसे जो है रात के 2 बजे से चल रही थी, लेकिन अभी 8 बज चुके हैं तब भी रुकी नहीं है। 2-3 घंटे जो है ना बारिश हमारे यहाँ जो है चली है, और मौसम भी आपने देखा कि कितना प्यारा लगा हुआ था आज। तो पता नहीं, देखते हैं सारा दिन मौसम कैसे कैसे रहता है कैसे नहीं। बाकी जो है सर्दी बहुत है आज, तभी तो मैं जैकेट पहन के शहर जा रहा हूँ, नहीं तो वैसे इतनी हमारे यहाँ जो है ना सर्दी नहीं होती है। लेकिन आज जो है ना बारिश की वजह से बहुत सर्दी हो गई है। और इसी मौसम का जो है ना मज़ा लेते हुए हम अब चलते हैं शहर, और आपको दिखाते हैं कि बारिश के बाद हमारे शहर की गलियाँ, रोड रास्ते कितने बेहतरीन और प्यारे लगते हैं, वो आपको शहर में चल के दिखाते हैं। सो अगर हमारे अकाउंट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आए हमारे अकाउंट को विजिट करें और अपना जो है ना अकाउंट को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो है आप हमारा फेसबुक पेज हनीफ ऑफिशियल के नाम से, वो भी आप आएँ अपना विज़िट करें और उसको लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें। हमारे व्लॉग के साथ बनिए रहेगा और हमारा साथ इंशाल्लाह आपके साथ होगा। और आप चलते हैं शहर की तरफ, आपको आगे के मंजर जाके शहर में दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये है हमारे मेन रोडों की मंज़र। सो बारिश के बाद ये मंज़र होते हैं अपना हमारे मेन रोडों के और गलियों के। पानी ही पानी, गंदा पानी, कीचड़ वगैरह वगैरह जो है ना। ये वाला, ये हमारी गाड़ी भी होगी बंद। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं आगे। और आप खुद सब देख रहे हैं कि ये मंज़र होते हैं हमारे शहर की मेन रोडों के। अभी आगे आपको क्या बताएं, अभी हम जो है ना व्लॉग को इधर ही ब्रेक करेंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी रात हो चुकी है और सारा दिन अपना काम काज के पीछे चलते चलते सारा दिन गुजर गया और ऊपर से रात हो चुकी है। और सर्दी भी आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज सुबह जो है ना बारिश बहुत हुई थी, सो इसलिए आज सर्दी भी ज़्यादा है गुजरे हुए दिनों से। सो अभी निकल रहे थे हम घर की तरफ, तो सोचा कि आप लोगों के लिए छोटा सा क्लिप बना लें। इस क्लिप में आपको और दिखाता चलूं कि ये आप ठेले देख रहे हैं, ये हमारे उमरकोट के आसपास के इलाकों के जो है ना गरीब मजदूर लोग हैं, जो ये डेली बेसिस पे ठेला लगाते हैं सब्ज़ी का, फ्रूट्स का और वगैरह कुछ चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो ये मंडी से लेके आते हैं और ये सारा दिन बेच के शाम को अपने घर की तरफ निकलते हैं। ये अपने बच्चों के लिए जो है ना ये सर्दी पर बारिश वगैरह जो है ना वो नहीं देखते कि मौसम कैसा है क्या है। गरीब मजदूर लोग हैं, रोजगारी बात है, रोज़ी तो करना करने के लिए ही आते हैं, तो वो ही करते हैं। अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं अलावाले चौक पे, और ये पास में आप देख रहे हैं हमारी अलावाले चौक वाली मस्जिद, और इसके आगे जो है ना ये MT डायमंड टी, जहाँ पे मिठाई मिलती है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा किशन हलवाई का दुकान, जो अपने किशन हलवाई का जो है ना हलवा भी खाया होगा और मिठाई भी खाई होगी, बहुत मशहूर है हमारे इलाके की। बाकी जो ज़्यादातर ये हमारा रोड है ना, मेरे मेन मिरपुखास रोड है, इसके दोनों तरफ बैंकें ही बैंकें हैं। तकरीबन 20 से 22 बैंकें जो है ना इस रोड पे हैं, और अलावाले चौक से लेके 3 तलवार तक ये बैंकें और पेस्टिसाइड की एजेंसी होती है जिसे पेडीज बोलते हैं वो है। और अब हम जो है ना घर चलते चलते जो है ना अब इस वीडियो को, इस हमारे व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। ये व्लॉग जो है ना आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा।